हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? खूब कर तो सब बढ़िया होंगे, मजे करूंगे। तो मैं माइकल आ चुका हूं आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके, वो भी अकेले नहीं, अपने ब्लैक कमांडो के साथ। बिल्कुल सही गाइस, हमारे ब्लैक कमांडो जो कि हमने हाल ही फिलहाल में सिक्योरिटी लिया, वो देख सकते हो ऊपर ही है। और इन सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सही दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने क्या करा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा क्या सीन है क्या नहीं। लेकिन उससे पहले जिन जिन भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। फिलहाल देखो अभी का सीन ही है, मैलिबू मेंशन हमने ले लिया था और यहाँ पे हमें चाहिए थी बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी। और इसी चीज के लिए हमने अपने मैलिबू मेंशन के लिए गाइस यहाँ पे ब्लैक कमांडो सिक्योरिटी मंगवा ली है। और अपने पूरे मैलिबू मेंशन की प्रोटेक्शन के लिए हमारी सिक्योरिटी हमारे लिए हमेशा हाजिर भी रहेगी। फिलहाल देखो अभी का सीन ही है दोस्तों, पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे लग गई है। पर मैंने पिछली वीडियो में भाई इनके लिए हाई एंड वेपन्स जो लिए हैं ना दोस्तों, अभी तक इनको दिए नहीं है। और वेपन्स कुछ ऐसे भी हैं जो कि भाई हमें स्टॉक अपने यहाँ पे स्टोर करके भी रखने वाले हैं। सारे वेपन्स तो मैं सिक्योरिटी को नहीं दूंगा ना, थोड़े वेपन्स अपने लिए स्टोर भी रखने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। मेरे ख्याल से अभी इनके पास वेपन्स हैं जो मैं कल नए वेपन्स लेके आया हूँ, कभी फाइट वगैरह में जाना पड़े जब वो वेपन्स हमें निकालने चाहिए भाई, हाई एंड वेपन्स। मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा कैसे क्या क्या सीन है, एक नंबर का मजा आ जाएगा दोस्तों आप लोगों को भी देख के। देखो फिलहाल का सीन ये सिक्योरिटी में लेके आ गया था लास्ट वीडियो में, और फिलहाल भाई ये देखो किस हिसाब से ये पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब नेक्स्ट लेवल का सीन हो गया। और इस ट्रक में जो पीछे आपको ट्रक दिख रहा है ना दोस्तों, इसी में ही हमारे हाई एंड वेपन्स है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पूरा ट्रक बड़ी मुश्किल से मैंने मैलिबू मेंशन में घुसाया है, क्योंकि देखो रास्ता इतना सा है, ट्रक झोटे वर्गा है, तो थोड़ा सा लह हो जाती है और दिक्कत वगैरह, और थोड़ा सा अपना दिक्कत वगैरह तो हुई, खंबे खुंबे भी टूटे, पर चलो कोई दिक्कत नहीं। आप खुद देख रहे हो ना कितना बड़ा ट्रक है, बड़ी मुश्किल से घुसा है। और फिर उसके बाद सीन ये हो गया, मैं अंदर से गाड़ी लेके कहीं नहीं जा सकता। फिर मैंने अपनी डिफेंडर यहाँ पर मंगवा ली भाई, डिफेंडर पीछे ही खड़ी करनी पड़ी। जब तक ये ट्रक खाली नहीं हो जाता ना दोस्तों, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, हमारे पास कुछ और ऑप्शन है भी नहीं। अब देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है क्या नहीं, वो तो आप लोगों को मैं आगे बता ही दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी का सीन ये है भाई, मुझे रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के पास भी जाना है, और जो हमने नई वर्कशॉप खोली है उसका भी आज उद्घाटन है। मतलब देखो ऐसा हम कुछ व्यव नहीं कर रहे कि भाई वहाँ पर हम केक वगैरह काटेंगे, कुछ ऐसा सीन नहीं है। पर उद्घाटन इन दी सेंस, वहाँ पर बंदे आने लग जाएंगे आज, जितने भी बंदों को अपनी कार्स की सर्विसिंग वगैरह करवानी है वो वहाँ पर आ जाएंगे, तो सारा सीन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों मेरे लिए। और हो सका तो मैं आपको अपने हाई एंड वेपन्स भी दिखा दूंगा कि हमने कैसे वेपन लिए कैसे नहीं। बाकी अपने बॉडी गार्ड्स को मैंने बोल दिया है इस ट्रक से सारा सामान आपको अनलोड करना है, क्योंकि ये पूरा ट्रक गाइस फुल्ली लोडेड है, आप लोगों को जैसे कि पता ही है भाई, इतने मुश्किल से वेपन लोड करके लेके आए ना। अभी तो आप एक ट्रक देख रहे हो, एक ट्रक तो सैंडी सोर्स में खड़ा हुआ है भाई, ट्रैवर के पास। बिल्कुल सही, तो आप खुद समझ लो कितने तगड़े तगड़े वेपन्स हमारे पास आ गया दोस्तों, ठीक है। तो वेपन्स वगैरह रखने हैं, बहुत सी चीज़ें करनी है। और जिमीना अभी तक आया नहीं है, वो कह रहा है पिताश्री आज पक्का शिफ्ट हो जाऊंगा इस वाले घर में, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, जिमी भी मैलिबू मेंशन में शिफ्ट हो जाएगा। अमांडा और ट्रेसी का मैंने पता करने के लिए भाई बंदे लगा ही रखे हैं, बोले तो हमारे टॉमी भाई जो कि वाई सिटी में रहते हैं, उन्होंने बोला है माइकल तू दिक्कत मत ले, मैं जल्दी कुछ ना कुछ खबर तेरे को दे ही दूंगा जैसी अमांडा के बारे में कुछ पता चलेगा। यार अब देखो क्या कर सकते हैं गाइस, क्योंकि जिमी भी पूछता रहता है कि माताश्री कहाँ है, पिताश्री कहाँ है, क्या है। अब मेरे पास ही कोई भी आंसर है ही नहीं दोस्तों, मैं क्या करूँ। मेरे को तो लग रहा है मुझे लिबर्टी सिटी खुद ही जाना पड़ेगा गाइस, जब भी अमांडा के बारे में मैं पता लगा पाऊंगा। पर चलो देखते हैं अब क्या करने का है क्या नहीं। काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई अन्ना की धोती खोल दो, किंग कोबरा की एस्टेसी कर दो, भाई उस चीज़ के लिए ना हम बिल्कुल रेडी हैं अब, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने लिए एक तगड़ी जगह चाहिए थी जो कि हमारे पास मैलिबू मेंशन आ गया, तगड़ी सिक्योरिटी चाहिए थी। हालांकि हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है, जिन जिनको नहीं पता हमारे पास AI सिक्योरिटी है, ठीक है, हमारे पास हमारी घोस्ट सिक्योरिटी है, रेड डेविल सिक्योरिटी है, और जो बॉडीगार्ड्स छुट्टी पे गए थे उनको भी मैंने बुला लिया उल्टा, तो आप समझ जाओ कि बस भाई अब सबकी ऐसी तैसी होने वाली है दोस्तों। पर हाँ मेन सीन ये है ना यार, हमारे जो वो थे ना गाइस कई सिक्योरिटी वाले जो शैडो कंपनी वाले सोल्जर थे हमारे, उनको ना मैं अपनी वर्कशॉप पे लगा दूँ, क्योंकि वर्कशॉप में अब कुछ दिक्कत हो जाएगी ना तो बहुत ऐसी तैसी हो जाएगी। तो भाई वो तो आज या कल में पहुँच ही जाएंगे दोस्तों, और वो वर्कशॉप में अपनी ड्यूटी करने लग जाएंगे। कोई नहीं, मैं वर्कशॉप जाऊँगा दिखा दूंगा आपको, आगे क्या पता भाई आ भी गए हो, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी पहले ही बोल दिया था कि भाई जल्दी तुम अपनी छुट्टी एंड करो क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वर्कशॉप में देखते हैं भाई वो, क्योंकि वो दो ही बंदे बचे हैं भाई पूरी टीम में
से, क्योंकि भाई आपको पता ही है हमारे शैडो कंपनी सोल्जर के साथ कुछ ऐसा सीन हुआ था उन सिक्योरिटी के साथ, उनकी गाड़ी किसी ने तबाह कर दी थी और वो था किंग कोबरा। किंग कोबरा से तो मैंने बदला ले लिया है, पर देखते हैं अब आगे का क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। तो मैं फटाफट रेडी होता हूँ दोस्तों, यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, ये सारा सामान रखने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जगह फुल हो गई है, अभी ये यहीं रहने दो। पर कर देना कैसे भी कैसे अरेंज करना है, क्योंकि खुले में इनमें से कोई भी वेपन्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। दूसरा ट्रक थोड़ी देर में आ जाएगा, बाकी का सामान भी हम भिजवा देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी का सीन ये है गाइस, हमने अपने बॉडी गार्ड से बात कर लिया, बोले तो ब्लैक कमांडो से, हमने ट्रक तो खाली कर लिया भाई, और थोड़ा सामान हमने दूसरे ट्रक में भी भिजवा दिया जो कि रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के पास जाना है, ठीक है। और आपको तो पता ही है एक ट्रक हमने अलग से रखा हुआ है, मतलब भाई बहुत भड़क होगी इन वेपन्स की तो सही में, जो हमने कल लिए हैं भाई। एक तो वो डीलर्स ने देखा भाई कैसे भिजवाए, और मयंक भाई ने अपनी सिक्योरिटी भी भिजवा दी थी उस डीलर, मतलब जो गन देने आए थे भाई, तो मयंक भाई की सिक्योरिटी आई थी हमें देने के लिए। और देखो मेन अभी तक का सीन ये है ना भाई, हमारे बॉडी गार्ड ने सारा का सारा सामान खोल लिया है, आधा सामान हमने अच्छी तरह रख भी दिया, और दूसरी सीन ये है आप खुद देख रहे हो, बस ये दो सामान रह गया, ये भी ट्रक से निकलने हैं, बाकी के ये देख रहे हो गाइस, ये देखो गन्स, इसमें भी गन्स 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 गन्स, इसमें थोड़े से भाई हमारे आप कह सकते हो ग्रेनेड्स वगैरह भी रखे हुए हैं, और ये देखो एमोज वगैरह, और नीचे ये छोटे छोटे ग्रेनेड्स, मतलब ये सामान तो वो है जो कि भाई हमारे स्टोरेज एरिया में फिट नहीं बैठा, तो आप खुद समझ सकते हो कि भाई कितना भारी भरकम सौदा खरीद लिया भाई दोस्तों हमने, देख रहे हो भाई साहब, ये देखो ना पीछे असले ही असले है भाई, ऐसे असले कोई सोच भी नहीं सकता, इस हिसाब से हमने लोडेड कर रखा अपना मामला पूरा, मतलब कोई पंगे लेने की सोच नहीं, बट मैं तो इतना ही बोलूँगा भाई कसम से, नहीं तो हमें गुस्सा आ गया ना, हम अपनी में आ गए तो सारे के सारे पित्तल छाती में भर देंगे दोस्तों, क्योंकि असला हम भी रखे प्रधान, आप लोगों को भी पता ही है। तो फिलहाल यही सीन है दोस्तों, अभी तक का तो देख सकते हो फुल लोडेड है हम, और ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो, और मामला जब आएगा ना गीली हो जाएगी पैंट गीली, सच बताऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो भाई यहाँ से निकलते हैं, ये थोड़ा सामान जो रह गया गाइस, ये हमारी बॉडी गार्ड अपने आप देख लेंगे क्या सीन करना है क्या नहीं, और एक ट्रक रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के पास भी भिजवा दिया है मैंने भाई साहब अपनी तरफ से, कि भाई लो मौज करो आप भी मेरी तरफ से। ये देख सकते हो सारा सीन है, बस ये थोड़ा सा रह गया, ये भी ट्रक से निकल जाएगा मामला पानी, बॉडी गार्ड कर देना बस ये काम जल्द से जल्द चाहिए। मैं वापस जब आऊँ ना मैंशन में तो मुझे यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं रखना चाहिए खुले में, क्योंकि भाई वेपन्स वगैरह यू खुले में रखना थोड़ा सा आपको भी बताना भाई सही नहीं रहता, रिस्क वाला काम होता है दोस्तों। तो हम इनको अच्छे तरीके से सेट करके रखेंगे, और जो आप कह रहे हो ना स्विमिंग पूल के अंदर जो बेस है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि भाई वहाँ पर ना थोड़ा सा काम करवाना था, वो काम हो चुका, लास्ट वीडियो देखना भाई, उसकी सीढ़ी मैंने तोड़वा दिया वहाँ से, और दूसरी वाली सीढ़ी मैं वहाँ पर सेट करवा रहा हूँ, क्योंकि वो सीढ़ी जगह ही काफ़ी खाली थी। तो ये सीन है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपने ऑफिस में, ठीक है, आप कह सकते हो माइकल रॉयल फैमिली के ऑफिस में, बिल्कुल सही दोस्तों। और सीन ये है कि भाई वहाँ पे ना रॉयल फैमिली के छोटे वारिस मेरे से मिलने के लिए आने वाले हैं और बातचीत कर रहे हैं। भैंस की टैट तेरी सासू की जो है वो बूतनी के रोड, तेरा पप्पा ने खरीद रखा बिना इंडिकेटर के, कट मार रहा है, अरे हर साइड में ले, हाँ अभी निकलवाऊँ बदमाशी, रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक ले, अच्छा मेरा आगे एटीट्यूड, तेरी भैंस की टैट बदमाशी वो भी मेरे साथ, बेटे तू तो गया, तू खत्म है, तेरा दी एंड है, दी एंड है, दी एंड, रे रे भग गया, ओ भाई साहब मेरे साथ होशियारी कर रहा है ये भूतनी का दोस्तों, अब देखो क्या करूँ मैं इसके साथ, इसकी तो ऐसी तैसी नहीं करी ना, मेरा नाम भी माइकल दी डिसेंटा नहीं है भैंस की टैट, वो देखना कैसे गाड़ी भगा के देख गया, आपने भी देखा ना दोस्तों, रोक ले मैं कह रहा हूँ गाड़ी रोक ले प्यार में, अच्छा हमारे होशियारी कर रहा दोस्तों, देखो अपनी गाड़ी ठोक रहा भाई, रोक 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 रोक, तेरी भूतनी के लेके कहाँ जाएगा, ओह मेरी डिफेंडर ठा दी भाई साहब, मेरा जूता ठा दिया इसने, इसकी सासू की जाए, ये नहीं बचने वाला, ओए क्या सीन है, गाड़ी रोक, और भाई भाई मैं है ना खुले में गोलियां नहीं चलाना चाहता, सीधी सी बात ये है गाइस, क्योंकि और भी गाड़ियां आया, अरे यार ये गया भाई, इसको तो मैं रगड़ूँगा, रोक रोक तेरी सासू की जाए, रोक भूतनी के मैं कह रहा हूँ रोक ले, कहाँ तक जाएगा बदमाशी करके, ये देखना दोस्तों, ले ला चले जा, कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा कहाँ, जा अब भूतनी के तेरी सासू की जय हो, ते अच्छा होशियारी देख रहे हो दोस्तों, बेटे तेरी सासू की, ये ले भूतनी के, उठ उठ ना, जब कह रहा था एक बारी में उठ जा, छाती में ना लाती ला, ले ले भूतनी के, ये ले सूर मेरे साथ होशियारी, माइकल के साथ होशियारी, अपने दुश्मनों के साथ भाई मैं ऐसे ही करता हूँ दोस्तों, देख सकते हो, ये ले अगली बार से ना पंगा मत ले लिए, इस बार तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार पित्तल भर दूंगा छाती में,
तो लेट्स गो दोस्तों, निकल रहे भाई यहाँ से, तो यहाँ अलग ही पंगा हो गया। और अब रे भाई साहब रगड़ दिया रे कसम से दोस्तों। अब देखो मेन सीन ही है भाई, मैं माइकल दी रॉयल फैमिली के ऑफिस में जाने वाला हूँ, क्योंकि अपने ऑफिस में ही रॉयल फैमिली के छोटे वारिस आ रहे हैं भाई हमसे मिलने के लिए। बिना किसी देरी के ऑफिस में चलते हैं दोस्तों। ऑफिस दूर है पर मैं आप लोगों से वहीं जाके ही मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों? तो लेट्स गो। अरे वारिस साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, आपका काम यही है लोकेशन फाइनल करो, फैक्ट्री तैयार करवाओ, बंदे लाने का मेरा काम है, कौन वहाँ काम करेगा वो मेरा काम है, ठीक है? बस आपको एक लोकेशन सेलेक्ट करनी है, सारा सामान जो आपने कहा था और जो मेरे को ठीक लगा वो हमने ऑर्डर कर लिया है, और जो आप कह रहे हो यहाँ की टाइट सिक्योरिटी के लिए उसकी भी आप दिक्कत बिल्कुल भी मत लो, मेरी घोर सिक्योरिटी सब कुछ संभाल लेगी, आप उसकी दिक्कत बिल्कुल मत लो। यहाँ जितना भी सामान हमने मंगवाया है वो बिल्कुल सेफ रहने वाला है, तो इस चीज़ की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, और जल्द से जल्द भगवान ने चाहा तो हम ये काम चालू कर देंगे और अपना साथ मिलकर एक और बिजनेस तैयार करेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, तो रॉयल फैमिली के छोटे वारिस यहाँ पे आए थे और हम साथ में डिस्कशन कर रहे थे अपने आगे की प्लानिंग के बारे में, और हम एक साथ में बहुत ही तगड़ा बिजनेस चालू करने वाले हैं, और उसी चीज़ के बारे में बातचीत हो रही थी। काफ़ी टाइम से हम इस बिज़नेस के लिए भाई लगे हुए थे, सामान वगैरह ऑर्डर कर दिया था हमने, बहुत सी चीज़ें, अब मेन काम ही है ना भाई, हमें एक लोकेशन पसंद तो आई थी और वो हम खरीदने भी वाले थे रॉयल फैमिली और मैं साथ में मिलके, पर दिक्कत ये हुई भाई वो जो बेचने वाला था उसने कहा कि भाई नहीं अब मैं बेच नहीं रहा, और हमें एक ना अपनी आप कह सकते हो फैक्ट्री चालू करनी है, और इस फैक्ट्री में बहुत तगड़ी चीज़ होने वाली है, मतलब आप जो सोच भी नहीं सकते, समझ जाओगे क्या भयंकर सीन होने वाला है दोस्तों, नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है। और फिलहाल सीन यही है, तो रॉयल फैमिली के वारिस से तो मेरी बात हो चुकी है, ठीक है वारिस साहब दिक्कत मत लो, बाकी जो फाइल्स वगैरह है जो भी सारा सीन आप जो बिल मांग रहे हो ना मेरे से, वो बिल मेरे बंदे आपको जल्दी दे देंगे, बस वो प्रिंट होने वाला है फिर आपको दिखा देंगे, तब तक मैं एक बार आता हूँ, ठीक है? तो फिलहाल अभी का सीन ये है ना, छोटे वारिस से मेरी सारी डिस्कशन हो चुकी है यहाँ पे ना गाइस, मेरे ऑफिस में मैंने बहुत भयंकर तैयारी कर रखी है, आपको तो पता ही नहीं है। चलो आगे जो हम काम करने वाले हैं ना उसके लिए हमने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर भी कर रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ जो आप हमारी सिक्योरिटी देख रहे हो ना, तो इनको भी हम अपने हाई एंड वेपन देने वाले हैं दोस्तों, ऐसा नहीं इनको नहीं देंगे, इनके लिए भी हाई एंड वेपन देंगे, और यहाँ सामान ऑलरेडी हमारा पहुँच भी गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वारिस साहब मैं अभी आया, ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो फिलहाल यही सीन है भाई, निकल रहे हैं गाइज हम यहाँ से। और एक सीन बताऊँ यार, वारिस साहब ना बहुत तगड़े बंदे हमारे छोटे वारिस साहब, आपको याद होगा एक बार मैं अपनी सिक्योरिटी लेके इनके पास जा रहा था, इन्होंने मेरी सिक्योरिटी बाहर खड़ी करवा दी थी, और जब ये खुद मेरे ऑफिस में आया ना, इन्होंने खुद अपनी सिक्योरिटी बाहर खड़ी कर दी है कि भाई इलाका इसका, इसकी सिक्योरिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, गेट के अंदर तक नहीं आई इनकी सिक्योरिटी। तो देख रहे हो खुद ही, मतलब मैं तो मना नहीं करता कि भाई अपनी सिक्योरिटी अंदर मत लाओ, मेरा ऑफिस है तो ये अपनी सिक्योरिटी अंदर नहीं लाए, देख रहे हो गाइस क्या ही सीन है। देखो सारी सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है, और मैं दिखाने वाला हूँ आपको मेन सीन, उसके लिए ना गाइस मुझे अपने ऊपर चढ़ना पड़ेगा लिफ्ट से, कहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अपनी ऑटो शॉप में। ऑटो शॉप में तो काम होता है गाड़ियों का, पर यहाँ पर जो सौदा होने वाला है ना वो देख के आप भी बोलोगे ओ माई गॉड। बिल्कुल सही दोस्तों, ये रही हमारी ऑटो शॉप। अब क्या करें दोस्तों, हमें यहाँ, हम तो ये चाहते थे यहाँ पे गाड़ियाँ मॉडिफाइड होए, पर यहाँ पे असले रखे हैं। बिल्कुल सही, ये देख रहे हो गाइस वेपन्स, ये वो वेपन्स है जो कि रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने इंतजाम करवाया, ये वो वेपन्स नहीं है जो कि भाई मैंने भाई मयंक भाई के गन डीलर से बाई करे हैं, ये वो नहीं है, ये अलग वेपन्स है। पर मेन सीन ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वेपन्स भी हटके हैं भाई, कसम से हटके हैं ये वेपन। और इतना ही नहीं, वेपन्स की बात हम अलग से करेंगे, वेपन्स की बात आप कल से ही देख रहे हो कि भाई वेपन्स चल रहे हैं, हमने खरीद लिए, यहाँ पे वेपन्स है और अपनी सिक्योरिटी के लिए वेपन्स है। फिलहाल ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हो ना दोस्तों, ये देख रहे हो ये बॉक्सेस, ये सारे के सारे बॉक्सेस में हमारी जो नई हम बिजनेस चालू करने वाले हैं उसके रिलेटेड सारा सामान है, सामान हमने सारा का सारा ऑर्डर कर दिया, अभी तो ये कुछ नहीं है, मेन सीन ये देखो, ठीक है ये जो चीज़ है ना बहुत भयंकर सीन है, अगर आपको पता है ये क्या है कमेंट करके बताओ कि भाई ये क्या है दोस्तों, बहुत महंगा सौदा ये जो हमने बाई करा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल अभी की बात करें जाए तो यार यहाँ तो वेपन्स है ही हैं, यहाँ पे भी गाइस आप देख सकते हो वेपन्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है बहुत भयंकर तरीके से, यहाँ देखो वेपन फुल्ली लोडेड वेपन्स अपने हैं। और अभी का सीन मेन यही है भाई, हम ना इन वेपन्स का तो यहाँ पर इसलिए कि भाई अपनी सिक्योरिटी को ये वेपन्स हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, लेकिन वेपन्स के पीछे जो आप चीज़ देख रहे हो ना गाइस, ये इनमें भी हमारे फैक्ट्री का ही सामान है,
और इन वाले बॉक्सेस में भी हमारा फैक्ट्री का ही सामान है। अब ये सारी चीज़ें हमने ऑफिस में इसलिए मंगवा लिया, मैं कह यार और कहाँ रखेंगे, ऑफिस में रखना ही गाइस एक सेफ जगह थी, क्योंकि यहाँ पे ना टाइट सिक्योरिटी है। मैलिबू मेंशन में रख सकते हैं टाइट सिक्योरिटी, वहाँ पे भी अपनी एक दूसरा घर है जो कि हमने डगन की प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लिया, वहाँ भी रख सकते हैं, पर ऑफिस सबसे बेस्ट है गाइस, इसलिए हमने यहाँ रखा, क्योंकि ये इलाका भी काफ़ी खुला भी, तो और सामान आना है। आप मेरी अगले वीडियो में देखना, यहाँ पे और सामान हो जाएगा भाई, मतलब अभी बहुत सी चीज़ें रह रही है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं दिखाता हूँ, ये पीछे आप देखो, पीछे और भी बॉक्सेस है, देख रहे हो क्या क्या सौदा है भाई, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हमने मंगवा रखी है। एक बार जैसे ये बिजनेस चालू हो जाए, जैसे ही हमारी नई फैक्ट्री का काम चालू होगा ना, फिर आप भी समझ जाओगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, एक नंबर का कातिलाना काम होने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम तो होता ही रहेगा दोस्तों, बाकी यार सही में नेक्स्ट लेवल सीन है, आप देख रहे हो ना, मतलब वेपन्स हमारे पास अब है, पहले अब हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, एक दो चीज़ों की हैं, उस चीज़ की भी डील मैंने कर ली है भाई, ऑलरेडी हमने वो सामान ऑर्डर कर दिया है, जैसे कि अपने मैलिबू मेंशन के लिए गाइस, मैंने आपको क्या कहा था, एयर डिफेंस, बिल्कुल सही, एयर डिफेंस का इंतजाम हमने कर दिया अपने मैलिबू मेंशन के लिए, तो वो भी जल्द ही आ जाएगा, और एक दो चीज़ें और हैं वो भी जल्दी आ जाएगी, लेकिन ऑफिस में बैठ के एक बार मैं रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के साथ सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेता हूँ कि कैसे क्या क्या करना है बस, क्योंकि देखो एक पूरी ढंग की फैक्ट्री के लिए लोकेशन ढूंढने का काम हमारे छोटे वारिस का है, बाकी का सारा काम बिजनेस संभालना काम मेरा है, तो वो काम होती है मेरे सिर पे ना, बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है और बहुत लोड आने वाला है इस फैक्ट्री के रिलेटेड, पर चलो कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा सारा सीन, क्योंकि मेरे साथ ट्रेवर, फ्रैंकलिन, लेस्टर, अंडरवाटर माफिया सब है। आई नो अंडरवाटर माफिया से काफी लोग मिलना चाहते हैं, मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा, दिक्कत मत लो दोस्तों, अंडरवाटर माफिया से भी आपको मैं आज ही मिलवा दूंगा, और वो रह कहाँ रहा है उससे वो भी बता दूँगा आपको, क्या सीन चल रहा है उसका क्या नहीं, पर एक बार मैं छोटे वारिस से ना गाइस सारी बातचीत वगैरह कर लूँ तसल्ली से, फिर सब कुछ सौदा सेट हो जाएगा। बिल्कुल सही दोस्त, और मुझे ना अपने वर्कशॉप में भी जाना है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बातचीत कर लेते हैं छोटे वारिस से और फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस के रिलेटेड ना गाइस काफ़ी चीज़ें ज़रूरी हैं। देखो बाकी सारा सीन गवर्नमेंट से जो अप्रूवल है वो सारी चीज़ें छोटे वारी संभालेंगे, पर इस बिज़नेस को हमें बिल्कुल सही तरीके से करना पड़ेगा। चलो मैं आपको हिंट दे दूँ, ये बिज़नेस किस चीज़ के रिलेटेड है, ये बिज़नेस हमारे गन्स के रिलेटेड है, सिक्योरिटी के रिलेटेड है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं दोस्तों, अगर नहीं समझो तो आने वाले दिनों में आप समझ ही जाओगे। तो जी वारिस साहब बताएं फिर क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं, चालू हो जाए। देख यार अंडरवाटर माफिया, यहाँ बड़े बड़े कुछ नहीं होने वाला, हो गया नुकसान हो गया मेरे भाई, मेरे साथ नई शुरुआत कर ले, ठीक है भाई मिल गया धोखा तुझे, अब क्या कर सकते हैं भाई, तो फिलहाल अभी का सीन ही है ना भाई, मैं अंडरवाटर माफिया से मिलने के लिए आया था दोस्तों, काफ़ी लोग आप भी कमेंट करके बता रहे बोल रहे थे कि भाई अंडरवाटर माफिया से मिलो मिलो मिलो, तो भाई मैं इससे मिलने के लिए आया, इससे इसके सारे दुख पूछे, और इसने यही बोला कि भाई मेरा काफ़ी लॉस हो गया, जिन पर मैं भरोसा करता था उन्होंने मेरे साथ गद्दारी करी, अब समझ ही जाओ भाई किन किन ने इसके साथ गद्दारी करी, डगन बोस ने इसके साथ गद्दारी करी, क्योंकि पहले ही उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती में था, फिर इसकी मुलाकात मेरे से हुई, अब देखो अभी तो मैं का सहारा हूँ, और ये कह रहा है कि भाई मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इसने भाई अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी सेल भी कर दी है, और कह रहा है मेरा मन तो भाई चिल करने का, अब मैं इसे कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, तेरा लॉस हो भी गया है तो मेरे साथ कोई बिजनेस ज्वाइन कर ले, तो कह रहा नहीं भाई मेरे को कुछ भी नहीं करना, माइकल मुझे अकेला छोड़ दे, तो दोस्तों आप ही बताओ मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं गिटार उठा के लाया, इसके लिए गिटार ही बजा दूँ, टन 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 डारा चलती है क्या 9 से 12, पर भाई ये तो मान ही नहीं रहा भाई, ये देखना दोस्तों भाई इसे फूकने से कुछ नहीं होना, अपने हेल्थ ही खराब करेगा, तू मान जा मेरी बात भाई, ये मानने से ही नहीं रहा, कह रहा बस मुझे एक दो दिन का टाइम दे दे फिर मैं सोच के बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो देखो दोस्तों भाई यार मैं अंडरवाटर माफिया के पास आया भी, इसे समझाया भी कि देख भाई नुकसान मेरा भी काफ़ी पहले हुआ और मेरे को भी काफ़ी लोगों ने भाई धोखा दे दिया यूँ करके, मेरे काफ़ी दोस्त जो मेरे साथ बिजनेस में थे और उन्होंने ही देखा दोस्तों क्या क्या सीन करा, पर भाई अंडरवाटर माफिया कह रहा भाई मुझे 1 से 2 दिन का टाइम दे, ये सोच के मुझे बताएगा कि भाई मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा या नहीं, इसके काफ़ी भाई शोरूम वगैरह भी थे उसमें भी इसने लॉस खा लिया, उसने बेच दी भाई सारी प्रॉपर्टी मोस्टली अपनी और यहाँ रह रहा है फिलहाल, ये भाई मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा ही करीब है ये वाला घर, मैं आप लोगों को बता दूँ भाई ऊपर आने के लिए भी इतनी परमिशन लेनी पड़ती है नीचे से, सामने मेरे घर का काम भी चल रहा है, और ये देखो भाई अंडरवाटर माफिया यहीं पड़ा रहता है इसी घर में दोस्तों, तो आप कह रहे थे ना अंडरवाटर माफिया कहाँ है, पहले तो इसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, फिर मैंने पता करा, फिर भाई मुश्किल से जानकारी मिली ये कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं, तो ये सीन है, अब क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते भाई, मैंने तो इसे समझा दिया, अब 1 से 2 दिन के अंदर देखते हैं भाई ये मान जाएगा तो ठीक है, अब इसके अलावा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई,
इसको लेके तो जाऊंगा कैसे ना कैसे। फिलहाल चलो भाई ये घर देख के ना मैं भी भूल गया क्या प्यारा घर है। मतलब ये जो बड़ा सा ये टावर है ना भाई, इसके ऊपर ये घर है, और ये देख रहे हो बेड देखो क्या ही तगड़ा। एक सेकेंड, अंडर वाटर माफिया तो भूतनी का नंगा घूम है। ये कपड़े किस किस है? वही तो औरतों के कपड़े हैं। ये भैंस के साथ शादी तो नहीं कर ली इसने? और ये क्या बना रखा है घर के पीछे? ओ भाई साहब ये क्या, भाई क्या घर बना रखा कसम से दोस्तों। ये देखना बाईसाइकिल से स्टंट के लिए यहाँ पे जगह भी बना रखी है। ओ भाई साहब ये देखना क्या ही कर रखा है इसने सौदा, मेरे से तो हो भी नहीं रही है, पता नहीं ये कैसे करता है। भाई देखना दोस्तों क्या बना रखा है इसने अंडर वाटर माफिया ने ये सौदा। ओ माई गॉड, ओ भाई ओए अभी गिर जाता भाई मैं, और यहाँ से गिर, आई रे बाबा लग गई। ओ माय गॉड भाई बहुत भयंकर गिरता गिरता तो दोस्तों यहाँ से सीधा नीचे। छोड़ो भाई मुझे नहीं करनी है सब चीज़ें, पर ये कपड़े किसके हैं? या तो ये कुछ छुपा रहा है मेरे से, सीन पता नहीं क्या है भाई। आप बताओ, अंडर वाटर माफिया ने मेरे को लग रहा ब्याह कर लिया, इसकी बींद नहीं पता नहीं कहाँ है दोस्तों। छोड़ो यार क्या पता भाई, वो इसकी इसकी माता श्री वगैरह के भी तो हो सकते हैं, मैं भी यार क्या बात कर रहा हूँ। फिलहाल वैसे तो ये घर पूरा इतना बड़ा घर भाई खाली ही है दोस्तों, सच बताऊँ तो। अंडर वाटर माफिया को मैं बोल के आया हूँ कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लियो, और फ़ोन वगैरह भी इसने सब तोड़ फोड़ दिया भाई। इसके पास ना फ़ोन है ना कुछ है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, तो समझ रहे हो क्या ही सीन चल रहा है भाई। इस पर थोड़ा सा ना मुझे फोकस रखना पड़ेगा। जिमी के साथ ना अंडर वाटर माफिया की अब अच्छी खासी बनती है, तो जिमी को कहूँगा कि भाई अंडर वाटर माफिया के पास जा, तसल्ली से जिमी भी यहाँ एक दो दिन रहेगा ना सही रहेगा भाई। यही एक ऑप्शन है गाइस, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता, है तो मेरा दोस्त ही आखिरकार। तो चलो भाई इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। और हाँ भाई एक चीज़ बता दूँ, घर बड़ा तगड़ा भाई, ये देखो हेलीकॉप्टर की भी जगह है यहाँ पे, और ये क्या हो रखा है यहाँ भी तोड़ फोड़ हो रखी है भाई, बहुत भयंकर सीन हो गया था। इस पर अटैक वगैरह भी हो गया था, इसने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई दोस्तों। घर तो तगड़ा ही है, यहाँ पे जिम्मी भी फन कर लेगा थोड़ा, अंडर वाटर माफिया का थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, तो सही रहेगा मेरे ख्याल से दोस्तों। यही चीज़ सही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं इसका मूड ठीक करने का। और जिम्मी को बोलना पड़ेगा, या फिर जिम्मी के साथ शोरूम भी संभाल लेगा मेरा, इतना भी तो काफ़ी भाई बड़ी चीज़ है, शोरूम भी संभाल लेगा। तो एक यही ऑप्शन है गाइस, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अंडर वाटर माफिया को मूड को ठीक करने के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो दोस्तों ये देखना यहाँ से, ठीक है इतना बड़ा स्विमिंग पूल है इसके घर में भाई, इतना बड़ा घर और अब बंदा अकेला, और ये देखो क्या सीन है, देख रहा हूँ वहाँ फूक रहा है बस उसने खराब भाई। अंदर में आया ना जब यू बोटले बोटले पड़ी थी, फिर काम वाली आई, फिर उसने साफ़ करा सारा, बहुत सी चीज़ें हुई है यहाँ। तो छोड़ो यार मैं क्या बोलूँ, जिम्मी को भेजूँगा जब भी इसका मूड ठीक होगा, बाकी आपको क्या लगता है बताना जरूर भाई। मैं चलता हूँ नीचे, चलो भाई मैं तो आ गया हूँ दोस्तों नीचे, और सीधा जा रहा हूँ भाई अपनी वर्कशॉप में जो कि हमने रिसेंटली खोली है, आपको भी पता है ईस्ट कस्टम के नाम से। अब वहाँ पर गाड़ियाँ आनी तो चालू हो चुकी है देखते भाई, और मेन सीन ये है ना दोस्तों, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई हम वही गाड़ियां ले रहे हैं जो हमने सेल करी थी अपने शोरूम पे जब हमारा शोरूम था। फिलहाल तो वो शोरूम सीज हो रखे हैं, तो उनकी भाई कोर्ट की डेट परसों की है मेरे ख्याल से दोस्तों, तो वहाँ में कोर्ट पे भी जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या सीन होने वाला है, क्या नहीं, कोर्ट पे क्या होगा क्या नहीं। हमारे पास लॉयर है हमारा, बाकी तो वो संभाल लेगा। अब देखते हैं भाई हमारा शोरूम कब खुलेगा कब नहीं, फिर उसका काम भी करवाना पड़ेगा, मतलब बहुत सी चीज़ें ना गाइस स्टिल अभी भी पेंडिंग है सच बताऊँ तो। अरे चल लो यार, हाँ तो वर्कशॉप चलते हैं दोस्तों, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी कार आ रही है कौन कौन सी नहीं। और उस वर्कशॉप का मेन सीन यही है कि वहाँ पर वही कार्स नहीं आ रही जो हमने सेल करी है, वहाँ से बाहर की कोई भी कार आए तो हम उसका भी काम करके देने वाले हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, तो असली मज़ा तो जब ही आएगा। तो फटाफट चलते हैं भाई, फिर आप लोगों से मिलते हैं वहीं जाके वर्कशॉप में, लेट्स गो। तो फाइनली दोस्तों पहुंचने वाला हूं मैं अपनी वर्कशॉप में, बिल्कुल सही दोस्तों, और मैंने वर्कशॉप में नहीं बताया मैं आने भी वाला हूं। सीधा छापा मारते हैं और देखते हैं कि भाई वर्कशॉप का काम हो कैसा रहा है, ठीक है। ये रहा गाइस ईस्ट कस्टम, जो भी आएगा जाएगा उसे दिखेगा, और किसी को अपनी गाड़ी का काम करवाना पड़ेगा तो वो गाड़ी अंदर घुसा लेगा। देखो एंट्री यहीं से होती है किसी भी गाड़ी की, और वेट अ सेकंड, गाड़ियाँ खड़ी हैं इन दी सेंस अंदर काम चल रहा हो जब ये वाली गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई है दोस्तों। मैंने अपनी डिफेंडर भी यहीं खड़ी कर दी है, और मैं देखते ही पहचान जाऊँगा कौन सी गाड़ी हमने सेल कर रखी है। ओके ये लैम्बोर्गिनी हमने अपने शोरूम से सेल करी थी, ये वाली गाड़ी हमने सेल नहीं करी थी, और ये वाली गाड़ी तो हमारे फर्स्ट बैच में आ गई थी दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूँ जब हमने शोरूम चालू किया था, मतलब सब कस्टमर को इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी, जिन जिनको सर्विसिंग करवानी है वो आप यहाँ पर आ सकता है। चलो एक चीज़ तो भाई सही हो रही है, लेट्स गो अंदर जाके देखते हैं कि अंदर का क्या माहौल है दोस्तों। अंदर का माहौल देखना चाहता हूँ मैं ईस्ट कस्टम का, क्योंकि ये किस हालात में था कैसा था, और अब ये चालू भी हो गया। ओके ओ माय गॉड,
अंदर आके तो अलग ही माहौल है, पर टॉम मुझे रिसेप्शन में नहीं दिख रहा है। ओके, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि चल क्या रहा है। मतलब मेरे को लग रहा, ओ भाई मैकेनिक्स भी आ चुके हैं जो गाइस हमें हायर करने थे, क्योंकि देखो हमारे पास एक अकेला मैकेनिक था तो उसने अपने जितने भी यार दोस्त थे सबको बुला लिया है, क्योंकि देखो भाई हमें हमारा हमें बंदे चाहिए थे और बंदों को काम चाहिए था, तो सबका काम हो रहा है। हमें इन्हें अच्छी खासी सैलरी पर रखा है, और मेरे ख्याल से इस गाड़ी में पीछे कोई दिक्कत हो रही होगी, और ये गाड़ी भी हमारे शोरूम से ही गई हुई है, तो ज़्यादातर गाड़ियाँ तो वो आ रही है गाइस जो हमने अपने शोरूम से सेल करी थी। तो देख रहे हो भाई अपना मैकेनिक लगा हुआ है। ओ भाई ये गाड़ी की ये कलर की गाड़ी कब सेल कर दी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपको पता मैं शोरूम कम ही जाता था भाई। पर देख रहे हो गाइस हमारे शोरूम से ही बिकी हुई गाड़ी है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ भाई साहब। लेट्स गो, इधर एक बंदा काम कर रहा है। ओके, और इधर क्या चल रहा है? ओके, तो गाइस इधर भी काम चल रहा है, आप देख सकते हो मर्सिडीज़ का, और ये वाली मर्सिडीज़ भी हमारे शोरूम से ही भाई हमने सेल करी थी, मर्सिडीज़ GT 63। ओह माय गॉड, तो ये बंदा भाई देख रहा है क्या क्या काम होना है इस गाड़ी में क्या नहीं, और ये भाई नए मैकेनिक्स है, तो गाइज इनके बारे में मुझे इतना पता नहीं है। कोई नहीं, इन्हें काम करने देते हैं, इनको तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं वो बंदा हूँ जो गाड़ियाँ देखने के लिए आ गया हूँ, कि हाँ भाई मेरी गाड़ी होगी ये, मेरी गाड़ी होगी ये, मुझे ऐसे ही समझ रहे होंगे। ठीक है, जोरों शोरों से। ओके, रैपिंग वाली जगह पे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है गाइस। अपना मैकेनिक है वहाँ पे, उससे मैं बात करूँगा, पुराने वाला मैकेनिक है वो। और ये वाली गाड़ी भी हमने अपने शोरूम से ही सेल करी है, बेंटली गाइस अगर आपको नहीं पता तो। ओके, इसमें भी भाई बंदा लगा हुआ है काम कुम करने में ही, तो भाई देखो ज़्यादा मैकेनिक्स है तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो अकेला मैकेनिक्स कितना ही करता। और आपको पता है हमारे शोरूम की वर्कशॉप कितनी छोटी सी हुआ करती थी, मैं तो ये चाहता हूँ फटाफट शोरूम शोरूम में जो केस चढ़ा हुआ है ना भाई, शोरूम सीज हो रखा है, वो फटाफट हटे और मैं शोरूम भी चालू करूँ। ओके, तो बेंटली भी भाई कितनी गंदी हो रखी है गाइस, देख रहे हो भाई कस्टमर तो नाराज होंगे ही गाइस हमसे भाई, क्योंकि उनकी गाड़ियों के हालात ये हो रखे हैं, वो सर्विसिंग चाहते हैं, सर्विस करवाने के लिए बाहर जाएंगे तो भाई उनको डर लगता है कि बाहर के बंदे कुछ और ना करते, इसलिए भाई हमारे पास ही आएंगे। तो सर्विसिंग हर गाड़ियों की एक नंबर की टॉप नॉच करके ही देने वाले हैं दोस्तों हम, तो सही है बंदा काम कर रहा है एक नंबर का। और इसमें क्या चल रहा है? ओके, तो गाइस मेरे ख्याल से इस गाड़ी का कुछ तो सीन हुआ है, देख रहे हो गाइस ये बंदा गाड़ी की टेस्टिंग कर रहा है, मेरे को तो लग रहा है भाई कुछ दिक्कत वगैरह हो गई थी इस गाड़ी को। और ये वाली गाड़ी भी हमारे शोरूम से ही सेल हुई है, मतलब मोस्टली गाड़ियाँ वही हैं जो हमारे शोरूम से ही सेल हुई है भाई। ये चेकिंग हो रही है मेरे ख्याल से इस गाड़ी में, पता नहीं गाइस क्या सीन है क्या नहीं। ओके, बैलेंसिंग और अलाइनमेंट वाले इलाके में भी एक गाड़ी खड़ी हुई है दोस्तों, देख रहे हो भाई साहब, पर यहाँ कोई कर ही नहीं रहा है इसे, क्योंकि हमारे बंदों की कमी है भाई। तो ये गाड़ी खड़ी है भाई लैम्बोर्गिनी, और ओ भाई क्या तगड़ी गाड़ी है, और ये गाड़ी हमारे शोरूम में नहीं आई थी, मतलब कोई बाहर के बंदे की गाड़ी है गाइस, ये बैलेंसिंग अलाइनमेंट के लिए गाड़ी खड़ी कर रखी है उसने। और यहाँ पे एक और गाड़ी आ रखी है, और ये भी हमारे शोरूम से नहीं बेची हमने, ये भाई साहब क्या ही गाड़ी लग रही है। अपना मैकेनिक यहाँ से मैं पूछता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। और वेट अ सेकेंड, ये तो कैडिलैक है, एक कैडिलैक मेरे पास भी है ऑरेंज कलर की, अगर आपको याद होगा भाई इसमें मैंने रैप वगैरह लगवा रखा है, और ये कैडिलैक आ रखे हैं वाइट कलर की सेम टू सेम, ये भी हमारे शोरूम से सेल नहीं हुई है गाइस, मैं आपको बता दूँ। क्या चल रहा है मैकेनिक भाई, मुझे सबसे पहले सीन बता, सबसे पहले क्या क्या सीन चल रहा है, कितना काम, कौन, क्या सीन है? जोरों शोरों से चल रहा है ना काम, जोरों शोरों से ही चलना चाहिए मेरे भाई। और तेरा भाई नहीं आया वो दूसरा? अच्छा, तो गाइज इसका एक भाई भी हमारे साथ काम करता था, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, उस आखिरी वाली वो जो मैकलेरन खड़ी है उसमें क्या चल रहा है भाई? अच्छा, ओ हो, तो भाई ये कह रहा है वो एक्सीडेंटल कार थी जिसको मैं आपको बात कर रहा था ना, वो कोने में, तो उसका नीचे चिमटे वगैरह पूरे डले हैं, तो वो टेस्टिंग कर रहा है, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। और ये कैडिलैक किस लिए खड़ी है यहाँ? अच्छा, ओ भाई, ओहो, अच्छा, तो भाई कैडिलैक में रैप होना है गाइस ऑरेंज कलर का, मतलब जिसकी ये कैडिलैक है उसने मेरी कैडिलैक देख ली होगी और उसको सेम टू सेम वैसी ही चाहिए, उसने फोटो भी दिखाई भाई मैकेनिक, और मैकेनिक कह रहा है भाई तुम्हारे जैसी थी साहब जी, क्या बात है क्या बात है। अच्छा वो सब तो ठीक है, ये बाजू में एक और गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा, अरे भाई साहब, तो भाई जो बाजू में गाड़ी खड़ी है ना गाइस, इसमें ये कह रहा है कि इन्होंने काले शीशे कर रखे हैं, मतलब टिंटेड ग्लास कर रहे हैं अभी तो, और इस गाड़ी में भी रैप होना, मतलब टिंटेड भी हमारे ही बंदों ने करा है, और अभी इसमें ब्लैक रैप होना इस वाली गाड़ी में, जो कि आपको आने वाली वीडियो में दिख जाएगा, क्योंकि रैप के लिए ना हम गाड़ी थोड़े दिन रोकते हैं अपने पास, क्योंकि सबसे पहले हमारा मेन काम है ये सारा मैकेनिज्म जो अपनी ये गाड़ियों का काम करना, ये रैप रूप तो होते रहेंगे क्योंकि ये अलग से काम है, सबसे पहले ये काम है, जितने भी ये गाड़ियाँ खड़ी है सब गाड़ियों की सर्विसिंग होनी, बाकी बाहर गाड़ियाँ खड़ी है उनको भी अंदर ले, ठीक है फटाफट। और ये जो लैम्बोर्गिनी खड़ी है इसकी भी अलाइनमेंट करवा फटाफट,
इतना टाइम नहीं है, फटाफट बंदे को बोल उसका वो चेक कर रहे, मैकलेरन वाले को ही बोल दे वो थोड़ा सा फ्री लग रहा है मुझे, टेस्टिंग होगी होगी, इसको बोल ये वाला काम करवाए। भाई और क्या दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं यार यहाँ करने के लिए, उसका अलाइनमेंट करो, अलाइनमेंट में ज़्यादा थोड़ा थोड़ा लगता है, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग में कस्टमर इतनी देर थोड़ी रुकेगा। अब टोम का है वो देखता हूँ मैं, टोम मुझे दिख नहीं रहा, मैं इसकी डायरेक्ट टोम से भी बात करता हूँ कि सारा हिसाब सही है या नहीं, सब चीज़ प्रॉपर चाहिए रहा टोम का, इस टोम को पता नहीं है मैं आ गया हूँ। तो एक काम करता हूँ गाइस, मैं टोम से तसल्ली से बात वगैरह कर लेता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकने वाला, मैं बस देखने आया था कि काम जोरों शोरों से चल रहा है या नहीं, और काम जोरों शोरों से ही चल रहा है, हमारे हर एक बंदे अपना काम बखूबी कर रहे हैं दोस्तों, इसके अलावा हमें और क्या ही चाहिए, वो ना आप ही बताओ, है नहीं, सारा काम जोरों शोरों से चल रहा है। अब मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो, ये मैं अपना कैमरा खोल लिया है, तो ये देखो इस गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि इस पूरा चिमटा टूट गया था, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारे इसके पूरे टायर टूए टूट गए थे पूरे के पूरे, ये ठीक हुए हैं। इस गाड़ी की भी टेस्टिंग चल रही है, मतलब ये तो पूरी सर्विसिंग के लिए आ रखी है, ये गाड़ी भी सर्विसिंग के लिए आ रखी है और ये वाली भी सर्विसिंग के लिए आ रखी है, तो ठीक है। बाकी एक दो गाड़ी हो रहा है वो रैपिंग के लिए आ रखी है, उनके बाद में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने टॉम से बात कर लूँ कि क्या सीन है भाई। बड़ी है टोम, इसके अलावा हमें और क्या ही चाहिए भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन तुझे भी मेरे दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम हो तो हम हैं और ये वर्कशॉप चल रही है, तुम ना हो तो ये वर्कशॉप भी ना चले और हम भी ना रहे। तो फिलहाल अभी का सीन ये है ना दोस्तों, भाई टोम ने मुझे बहुत तगड़ी खबर बताई कि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी भाई अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, किस चीज़ के लिए, गाड़ियाँ रैपिंग के लिए, बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि ईस्ट कस्टम नया नाम सुना है और हमारे प्राइस ना और भाई जो बंदे रैप कर रहे हैं उनसे काफ़ी कम है भाई, ठीक है दोस्तों, और हम और भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि देखो हर जगह जहाँ रैप हो रही हो, जरूरी नहीं हर जगह वहाँ मैकेनिक वगैरह के भी सारे काम हो रहे हो, तो यही सीन है। बाकी हमारा ना थोड़ा सा बिल और बढ़ने वाला है, ये कह रहा है कि भाई देखो जिस हिसाब से हमने पैसे लगाए हैं तो इसका काम इस, ये कह रहा है कि हम जल्दी भाई प्रॉफिट में हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो भाई जो पैसा लगाया इन्वेस्ट मनी वो उल्टा आएगा, उसके बाद ही हम प्रॉफिट में चालू होने वाले हैं। तो टॉम ने कहा कि देखो सर जी टाइम तो लगेगा, इसने पूरा सोचा है, पर कह रहा है जल्दी हो जाएगा, पर हाँ ये सीन, इसी खुशी में गाइस मैं भी नाचने लग गया हूँ। पर एक सीन ये है, टॉम कह रहा है कि भाई हमारी जो ये वर्कशॉप में ना गाइस, सामने आपने देखा होगा कि गाड़ी क्लीन वाली जो मशीन है, ये कह रहा है उसमें दिक्कतें आ रही है, पता नहीं चलेगी भी या नहीं। तो मैंने कहा देख ले भाई, चल जाएगी तो बंदे बुला ले, इसने बंदे बुला लिए हैं कंपनी वालों की तरफ से कि भाई बंदे आ जाओ एक बार चेक कर लो हमारी मशीन में क्या दिक्कत है क्या नहीं। दूसरी बात, हमें और बंदे हायर करने पड़ेंगे, हालांकि हमने मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा हायर कर रखे हैं, तो और भी हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि रैपिंग भी प्रॉपर करनी है, टाइम पर सारा काम हो जाए, उस चीज़ के लिए गाइस सारा सीन होने वाला है। तो मैंने बोला ठीक है, एक दो बंदे देख ले अपने हिसाब से जितने भी हायर कर रहे हैं, तो ये कह रहा है एक या दो से काफ़ी हो जाएगा काम। ठीक है टॉम, जो तेरे को सही लगे वो करना है तुझे, क्योंकि इस बिजनेस में हमेशा तू मेरे साथ रहा है, तो तेरे को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि संभाला तूने है, मैंने तो बस खरीदा है, समझ रहा है ना मेरी बात, तो सब कुछ तेरे को ही करना है। तो लेट्स गो दोस्तों, यहाँ से सारा काम हो गया है, तो चलो भाई ठीक है टॉम, करियो संभालियो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दियो, लेट्स गो भाई। टॉम भी खुश हो गया कि भाई हमारा बिजनेस कब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है दोस्तों, इसीलिए ठीक है। और ये अपनी मीटिंग करी है टॉम ने, सब बंदों के साथ यहाँ बैठ के मीटिंग करी है, सबको समझाया कैसे काम करना है कैसे नहीं। और ओके, मेरे ख्याल से भाई जो वो बंदा था वो यूरोस की वो करने लग गया गाइस, मेरे ख्याल से अलाइनमेंट बैलेंसिंग तो बाद में होगी, अलाइनमेंट हो रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट की मेरे को आवाज़ तो आ रही है। और अपना मैकेनिक यहाँ नहीं है, अपना मैकेनिक कहाँ गया, ये दोनों गाड़ियाँ रैपिंग के लिए, और भाई कल दिखाऊँगा आपको ये रैपिंग कैसी हुई है इनकी कैसी है, नहीं कल आके पक्का दिखाऊँगा गाइस। और अपना मकैनिक ओके, तो गाइस इस वाली गाड़ी की ना अब मेन सीन आप देख सकते हो कि क्या सीन होने वाला है क्या नहीं, इस वाली गाड़ी की अब अलाइनमेंट हो रही है, तो अलाइनमेंट के लिए मशीन के साथ बिल्कुल सेट होती है सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा ये बंदा आप देख सकते हो लैपटॉप में सारी चीज़ें सेट कर रहा है, कौन सी गाड़ी है कौन सा मॉडल है उस हिसाब से अलाइनमेंट पूरी मशीन सेट होएगी, फिर इस गाड़ी की अलाइनमेंट होगी। तो आप देख सकते हो अंदर बंदा बैठा है, गाड़ी स्टार्ट है, टायर मूव कर रहा है, देख रहे हो, तो सब कुछ मशीन में आ जाता है कि किस भाई क्या क्या सीन है क्या क्या नहीं, कितना अलाइनमेंट आउट है, वो सारा सीन हो जाएगा। तो मशीन हमारी सेट है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और इस वाली गाड़ी की बात हो रही थी गाइस, इस वाली गाड़ी के बिल्कुल सही, इसका ना भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, तो इसके टायर वगैरह पूरे टूट के बाहर आ गए थे। और ओ भाई आवाज़ भी कितनी स्मूथ हो गई है, क्या बात है, ये देख रहे हो इस गाड़ी में रैप हो रखा है भाई, इस गाड़ी में 101% रैप हो रखा है गाइस, क्योंकि इसकी दूसरी लाइट जो आप देख सकते हो ब्लू कलर की है, क्या बात है, सही है भाई, बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है स्टीयरिंग कि, ऐसा लग भी नहीं रहा कि एक्सीडेंट भी हुआ था इस गाड़ी का। तो हमें ऐसी सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर को, सही है। बाकी और गाड़ियों का काम चल रहा है,
ठीक है भाई, जो है सही है, अच्छे तरीके से काम चले, हम तो और क्या ही चाहते हैं दोस्तों। तो चलो भाई, यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ दोस्तों, लेट्स गो भाई। और अपने जो ब्लैक कमांडोज है ना गाइस, बिल्कुल सही, उनको वेपन्स वगैरह भी प्रोवाइड करने हैं। हाई एंड वेपन की हमने अलग से पेटी खुलवा रखी है, वो मैं उनको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है, लेट्स गो। क्योंकि जिमी ने ये कहा है कि पिताश्री वो मैं पहुँच चुका हूँ मैंसन में, तो आ जाओ आप भी। तो भाई मैं मैंसन में ही जा रहा हूँ दोस्तों एक बार, क्योंकि अब मेरा जो काम था वो सारा काम मोस्टली हो गया है। तो लेट्स गो, अपनी गाड़ी को लेके निकलते हैं दोस्तों, और फिर आप लोगों से हम तसल्ली से मिलने वाले हैं भाई। वर्कशॉप का काम तसल्ली से अच्छी तरीके से हो रहा है ना, बस ये चीज़ देख के ना मेरे दिल को तसल्ली मिल गई है, क्योंकि ये काम ज़रूरी भी था। और ये देखना गाइस, ये कैसे अटकी हुई थी ये मशीन, आपने देखी थी भाई साहब? मेरे को तो लगा ये पलटने वाली है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और आई नो तुम बदले की आग में यूँ हो रहे हो कि जल्दी भाई माइकल भाई बदला ले लो, मुझे पता है भाई बदला लेना है दोस्तों। और बदले के लिए ना मेरे बंदे लगे हुए हैं, और उन्हीं में से मैं एक यूनिट ब्लैक कमांडोज की भी भेज रहा हूँ। हमारे अन्ना हो गया, ठीक है, साथ साथ किंग कोबरा हो गया, इनकी लोकेशन पता करने का, क्योंकि डगन से मेरे को कोई ख़तरा नहीं है। डगन को तो मैं कल पकड़ लूँ जाके भाई, ठीक है दोस्तों, डगन से तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है। मेन ख़तरा जिनसे है उनके लिए भाई मैं अपने बॉडीगार्ड्स भेजने वाला हूँ। तो ब्लैक कमांडो जो जाने वाली है उन्हीं को ही भाई मैं वेपन्स देने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं अपने मैंसन में, बिल्कुल सही, मैलिबू मैंसन में। जिमी पहुंच गया भाई, तो देखते हैं क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। और जो बॉडीगार्ड्स को मैंने काम बोला था अपनी ब्लैक कमांडो सिक्योरिटी को, देखते हैं कि भाई उन्होंने वो काम करा, यानी जो वेपन्स वगैरह खुले में रखे थे सारे के सारे वो हटाए हैं, यानी क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अरे जल्दी जाओ यार गाड़ी भाई, एक तो हाईवे में एक साइड घर लेने का यही है भाई दिक्कत, गाड़ियाँ आती रहती हैं। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ मैं एंट्री कर चुका हूँ, और यहाँ हमारी सारी सिक्योरिटी खड़ी हुई है। और भाई चीमी को गोपचो में पकड़ लिया था इन सिक्योरिटी वालों ने, फिर मैंने बोला भाई मेरा इल्ला छोड़ दो। ओके, लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है, जिमी लैम्बोर्गिनी में आया क्या? बाकी गाड़ियाँ कैसे आई फिर? बाकी गाड़ियाँ आई भी हैं? नहीं, वहाँ एक ही गाड़ी खड़ी है। रेंज रोवर तो चलो भाई टूट गई है गाइस, ठीक है रेंज रोवर ठीक होएगी, और बाकी गाड़ियाँ तो है ही नहीं यहाँ पे। जिमी की स्कॉर्पियो भी नहीं है यहाँ, तो ये सीन क्या है? चलो कोई नहीं, काम करते जिमी से ही मिल लेते हैं दोस्तों, है नहीं। लेकिन उससे पहले ये देख सकते हो दोस्तों, वेपन्स वगैरह की जो बात हो रही थी ना, हाई एंड वेपन्स हमारे पास है। ये रही नॉर्मल गन्स, ये है थोड़ी सी हाई लेवल्स गन, बिल्कुल सही दोस्तों। ये देख सकते हो हमारे बॉडी गार्ड्स ने हाई एंड वेपन्स पकड़े हुए हैं, और इससे भी ज़्यादा हाई एंड वेपन्स ये रहे दोस्तों, मोस्ट डिमांडिंग वेपन्स है। और ये जो वेपन्स है ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल वाले हैं, और ये वेपन्स आप देख के ही समझ जाओगे कि भाई कितने खतरनाक है कितने नहीं। अभी ना मैं अपने बॉडी गार्ड्स को इन वेपन्स की टेस्टिंग के लिए, देख लो ये वाले जो वेपन्स हैं, इन टेस्टिंग के लिए भेजने भी वाला हूँ, क्योंकि खबर हमें मिली है बालाज गैंग और बाइकर गैंग एक जगह मिलके मीटिंग करने वाली है, और वहीं बीच में मैं अपनी गैंग भेजूँगा और फाइट होने वाली है वो दोनों गैंग और हमारी ब्लैक कमांडो सिक्योरिटी। देखते भाई किस में कितना है दम, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। और इतना ही नहीं, मैं इनको ये वाले वेपन्स लेके नहीं भेजने वाला, अगर ये वाले भेज दूँगा ना तबाही तुरंत, इतनी भयंकर तबाही होने वाली है ना जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि बालाज वालों ने कहाँ देखे हैं ऐसे हाई एंड वेपन्स, साथ साथ कहाँ बाइकर गैंग वालों ने ऐसे हाई एंड वेपन्स देखे हैं, उनके लिए तो यही वेपन्स भाई बहुत एक्सट्रीम वाले हो जाएंगे। क्योंकि ये वाले वेपन्स भी ना भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं, ये तो देखो नॉर्मल वेपन हो गए, ऐसे वाले वेपन्स तो बालाज वालों के पास भी होंगे, पर हमारे वाले जो एक्सट्रीम वाले वेपन्स हैं ना गाइस, ये बालाज के पास नहीं होने वाले। और मैं एक ही टीम भेजने वाला हूँ, बोले तो चार बंदे, लेकिन उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना जाने से पहले हमारे बॉडीगार्ड्स आपको ये वाले वेपन्स भी टेस्ट करके दिखा देंगे कि ये चलते कैसे हैं, चलते कैसे नहीं। कोई नहीं, ये भी हो जाएगा गाइस, इस चीज़ की दिक्कत नहीं है। और ये वाली वेपन्स की टेस्टिंग तो आप जब ही देख लोगे जब ये लड़ने वाले हैं, ठीक है, दिक्कत मतलब ये वाली वेपन्स भी मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। आखिरकार आपको भी तो पता होने चाहिए कि भाई हमारे वेपन्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं दोस्तों। बस रेडी हो जाओ, पता चल जाएगा कि कैसी तबाही होने वाली है कैसी नहीं दोस्तों। तो लेट्स गो मेरे यारो, अपना मेन काम यह है, मैं एक बार जिमी को देख लूँ, जिमी कहाँ है ये देखो ये। अरे भाई ये वाले भी रख दो वेपन्स भाई, वो वाले रखने हैं बाहर बस। ये देखना गाइस ये वाले वेपन्स भी बाहर रखे हुए हैं, बाकी का तो सारा सामान हमारी सिक्योरिटी ने उठा लिया है। सही है भाई, सिक्योरिटी तो अपना भाई एक बारी भी सारा करो फटाफट काम कर देती है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो भाई जिमी दिख रहा कहाँ है, जिमी लैम्बोर्गिनी आ चुकी है, तो जिमी भी आ गया, क्योंकि जिमी ने मेरे को फ़ोन करके बोल दिया था कि पिताश्री मैं आ गया हूँ घर पर। जिमी भाई एक तो बड़ा घर इतना बड़ा, एक सेकंड
वहाँ हमारा चोमू है भाई, मतलब जिमी भी यही है, जिमी की टांग दिख रही है मुझे, जिमी भी यही है, जिमी भी यही है, जिमी भी यही है, तो चोमू भी यही है, मतलब चोमू भी लेके आ गया है जिमी। अब देखो उस वाले घर में जहाँ हम पहले थे ना भाई, वहाँ पे घोस्ट सिक्योरिटी है फिलहाल, ठीक है, तो सिक्योरिटी वो वहीं रहेगी, क्योंकि उस घर में भी हम थोड़ा सा सामान वगैरह अपना छुपा के रखने वाले हैं दोस्तों। देखो हमारे पास अब इतनी प्रॉपर्टीज हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं, और एक तो मेरा फेवरेट प्यारा घर तो रेडी होने वाला ही है दोस्तों, जो कि हमारा सबसे पुराना वाला घर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जिमी से मिल लेते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या नहीं, कैसा लगा उसे घर। बाकी तो भाई उसे घर तो वैसे मैंने पूछ लिया था पहले जब उसने देखा था, घर तो तगड़ा लगा था, पर ये क्या, ये इतनी शांति से लेटा कैसे है, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ना टीवी चला रखा, लैपटॉप खोल रखा है, ये चल क्या रहा है। वेट अ सेकेंड, भाई ये जिमी की चोट कैसे लगी हुई है, ये देख रहे हो दोस्तों, जिमी की चोट लगी हुई है आँख के पास, और यहाँ भी कट लगा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, ये सोते सोते हिल क्यों रहा है, ये चल क्या रहा है ये, और जिमी को चोट कैसे लगी है भाई, ये सो रखा है अभी तो इसे क्या उठाना, पर ये चोट कैसे लगी है। गाइज अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पता है कि जिमी को चोट कैसे लगी है, क्या सीन है क्या नहीं, तो कमेंट करके बताओ मुझे यार, अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता है कि जिमी को कैसे चोट लगी है। बाकी इधर आप देख सकते हो हमारा चोमू भी मस्त प्यार से सो रखा है जिमी के बाजू में, पर जिमी को चोट कैसे लग गई, चलो कोई नहीं, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं। जिमी को उठने देते हैं, मैं जब तक अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता हूँ कि हाई एंड वाले वेपन्स उठाओ, जो एक्सट्रीम हाई एंड वाले हैं उनकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं, और आप लोगों को भी दिखाने वाले हैं कि ये कैसे चलते हैं कैसे नहीं। दोस्तों जिमी सो रखा, नहीं तो मैं अभी पूछ लेता कि क्या सीन है क्या नहीं, कैसे लग गई इसे चोट, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने घर की सिक्योरिटी तो आप देख ही सकते हो कि कैसे हैं कैसे नहीं। एक काम करो तुम चारों, ये वाले वेपन्स तो अपने पास रखना ही रखना, लेकिन उससे पहले ये वाले जो वेपन्स है एक्सट्रीम हाई एंड वाले, वो उठा के फटाफट पीछे की साइड आ जाओ, क्योंकि मुझे टेस्टिंग करवानी है वेपन्स की, फटाफट आ जाओ, लेट्स गो दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी, अब तो मैं वो वाली गाड़ी भी लेके जा सकता हूँ, पर चलो कोई नहीं गाइस, डिफेंडर ही ले चलें। चलो अब अपनी डोज लेके चलते हैं, मैं लैम्बो नहीं छेड़ूंगा क्योंकि वो जिमी की है भाई, मैं नहीं चाहता जिमी की गाड़ी में कुछ और कांड कूंड हो जाए, अपनी डोज ही लेके चलेंगे, क्योंकि पहले डोज मैं निकाल नहीं सकता था, यहाँ ट्रक वगैरह हटके थे, अब ट्रक वगैरह हट गए हैं, सारा सीन हो गया, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। फटाफट आ जाओ पीछे की साइड, तो बॉडी गार्ड पीछे की साइड आ जाएंगे दूसरे वाले गेट से, मैं अपनी इस वाली गाड़ी को नीचे की साइड लेके चलता हूँ दोस्तों। गाड़ी यार, एक तो ये वाली गाड़ी में तो ग्राउंड क्लियरेंस ही नहीं है, नीचे पहुँच भी जाएगी, पहुँच तो जानी चाहिए दोस्तों, ऐसा भी कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे गाइस होने वाली है असली टेस्टिंग, देखते कि अब कैसा सीन होने वाला है कैसे नहीं। अपने बॉडीगार्ड से हम हवा में ही फायरिंग करवाने वाले हैं, आप समझ जाओ कि कौन सी गन कितनी पावरफुल है दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। या फिर एक काम करता हूँ ना, चलो कोई नहीं, वैसे ही ठीक है गाइस, अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर देते हैं, आने देते हैं सभी बॉडीगार्ड्स को, फिर देखते हैं कि कैसी गन्स की टेस्टिंग होने वाली है कैसे नहीं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई देखने के लिए कि कैसी तबाही होने वाली है दोस्तों, ठीक है। बोलूँगा सबको कि हवा में फायरिंग कर दो, और गन्स वगैरह ना एक काम करता हूँ ना भाई, वो आधी गन्स मैं भी अपने पास रख लेता हूँ भाई, ठीक है। अब मैं भी खुद चला के तो देखूँ, एक्सपीरियंस तो लो कि कैसे चलती है वो हाई एंड वेपन्स भाई, कसम से। एक काम करता हूँ गाइस, मैं भी ऊपर से गन्स वगैरह उठा लेता हूँ, क्योंकि स्टॉक हमारे पास ठीक ठाक है उन चीज़ का, फटाफट मैं भी गन उठा लाता हूँ, और अपने बॉडी गार्ड्स भी ले आएंगे फटाफट भाई, फिर आएगा असली मज़ा दोस्तों। तो फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों, शुक्र करो मैंने यहाँ अपने चार ही बॉडीगार्ड्स बुलाए हैं, क्योंकि ज़्यादा बुला लेता ना भाई तो पूरे लॉस सैंटोस वाले हो जाते कि भाई ये कहाँ विश्व युद्ध हो गया, क्योंकि ये जो गन्स है ये बहुत तगड़ी गन्स है। इतना ही नहीं गाइस, सारे बॉडीगार्ड्स बुला लेता तो मेन सीन ही होता है, इतनी गंदी यहाँ पे आवाज़ जाती खड़खड़ खड़खड़, और मैंने इन सबको यही बोला है कि भाई तुम हवा में फायरिंग करोगे और कोई फायरिंग नहीं करोगे, तो इनको मैंने समझा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई और कुछ पंगे हो जाए दोस्तों। बाकी ये सारी गन्स मेरे पास भी पड़ी हुई है, मैं आपको खुद भी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि भाई मुझे कैसी लगी, क्योंकि ये बॉडी गार्ड्स के लिए आई है वैसी, पर कोई नहीं, मैं भी थोड़ी टेस्ट वेस्ट करके दिखा दूंगा। बाकी की अपनी सारी बॉडी गार्ड ऊपर प्रोटेक्शन दे रहे हैं भाई, क्योंकि मैंने उन्हें जो काम बोल दिया वो उसी में बिजी हैं। तो फिलहाल एक काम करो, तुम चारों हवा में फायरिंग करनी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, और जैसी मैं स्टार्ट बोलूँ स्टार्ट, जैसी मैं स्टॉप बोलूँ स्टॉप, तो रेडी हो जाओ सारे के सारे, आप भी रेडी हो जाओ दोस्तों देखने के लिए कि कैसा काम करेंगे हमारी ये ब्लैक कमांडो सिक्योरिटी, वो भी हाई एंड वेपन के साथ, कैसा नहीं। तो स्टार्ट, तो भाई आप देख सकते हो भाई हमारे बॉडीगार्ड स्टार्ट हो चुके हैं, और इस गन की टेस्टिंग भी पहली मेरे सामने पहली बार ही हो रही है, और ये देख लो क्या सीन है क्या नहीं। ओ भाई साहब, मतलब ये वाली गन और ये वाली गन ज़्यादा बेस्ट है, इन दोनों में भाई एक गोली के बाद रिलोड करनी पड़ रही है, पर जो डैमेजेस हैं इन गन का वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अब ये हवा में चल रही हैं तो आप कुछ समझोगे नहीं कि क्या सीन है क्या नहीं। ये चल तो रही है भाई, देखना ऊपर तक चल रही है भाई। ओ भाई साहब, भयंकर सीन है भाई कसम से।
और इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप इंजॉय करो सबसे पहले तो भाई ये गोलियां चलने का। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो रेल गन है ये वाली और ये रेल गन, दोनों रेल गन अलग है। क्योंकि अरे भाई एक तो डर लग रहा है इनके पास जाने में भी दोस्तों, जिस हिसाब से गोलियां चला रहे हैं देखना। ये रेल गन आप देख सकते हो, तो ये वाली रेल गन देखो, दोनों में फ़र्क है। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब अलग ही तरीके की फायरिंग हो रही है गाइस, आप देख सकते हो भयंकर तरीके की। ओ भाई रुक जाओ, बस 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 बस, जब लड़ाई होगी जब यूज़ करने हैं वेपन्स, रुक जाओ। क्या बात है शाबाश, तुम सब ने बढ़िया काम करा। और भाई जैसे मैंने इन्हें बोला था कि हवा में फायरिंग करनी है दोस्तों, तो इन सब ने हवा में ही फायरिंग करी। चलो बढ़िया है, और वेपन्स भी तगड़े हैं दोस्तों। अब असली टेस्टिंग तो जब होगी, जब लड़ाई होने वाली है। लेकिन 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 अब आप लोग बोलोगे कि यार तुमने हवा में गन चलाई, हमें तो पता ही नहीं चला कि कैसी गन है, कौन सी कैसी, किसने किसमें किस कितनी पावर है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, मैं भी आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि बॉडी गार्ड्स को जो मैंने कमांड दी थी इन्होंने पूरी करी, हवा में फायरिंग करके हमें दिखा दी। लेकिन 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 आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाली गन तो भाई बड़ी बेकार है, एक बार चलाओ फिर रीलोड करो, पर इन गन की जो पावर है ना गाइस वो नेक्स्ट लेवल है। इसीलिए मैं ये सब आपको टेस्टिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। लेट्स गो, सबसे पहले गाइस ये वाली गन, ठीक है ये देख रहे हो, और ये देखो। चलो आपको ये वाली दिखाएं, कौन सी दिखाएं, सबसे पहले मैं आपको ये वाली गन दिखाता हूँ गाइस, जो कि हमारे बॉडी गार्ड्स ने पकड़ ही रखी, और ये बहुत ही भयंकर गन है। जैसे ही स्टार्ट करते हैं जूम, ये देखो, मैं चुप रहूँगा, आवाज़ सुनना, सुननी आवाज़। और अब इसकी होने वाली है टेस्टिंग, कितनी देर में ये गाड़ी को फोड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, एक दो और तीन, भाई साहब फायरिंग मैंने कर रखी है गाइस। और ये देखो, यहीं मैं अपनी दूसरी नॉर्मल गन्स यूज़ करता ना भाई, कम से कम वो भाई मेरे को 3 से 4 मैक्स ख़त्म हो जाते, फिर वो चल भाई किसी एक गाड़ी को डैमेज कर पाती। अब बात करते हैं गाइस अगली गन्स की, रेल गन की। बिल्कुल सही, ये जो गन्स आपने देखी होगी कि भाई एक बार चलाने के बाद रीलोड करनी पड़ रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इसकी पावर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक दो तीन, इसे कहते हैं पावर, एक ही बारी में डिस्ट्रॉय पूरा का पूरा दोस्तों। ठीक है, ओहो एक रेल गन तो मैं लाया ही नहीं, ऊपर रखी हुई है। और ये रही गाइस हमारी दूसरी गन, ठीक है लेट्स गो, एलियन गन्स भी कहते हैं इसे। और अब मैं इसको चला के दिखाने वाला हूँ, ये देख रहे हो दोस्तों किस हिसाब से चल रही है, और ये देखते हैं कि कितनी देर में डैमेज करेगी कितनी देर में नहीं। ओके भयंकर तरीके से चल रही है भाई, ये हाई एंड वेपन्स में आते हैं गाइस ये सारे के सारे वेपन, पर इस वाली गाड़ी को डैमेज करने में इतना टाइम लग रहा है। पर शुक्र करो ना भाई, एक बार ये रीलोड नहीं करनी पड़ेगी एक बार अगर आपने पर देख ली। पर इस वाली गन से भी मेरे को भाई साहब ये देखना किस हिसाब से चल रही है ये, भाई साहब ये वाली गन इतनी पावरफुल नहीं है जितनी वो वाली गन से, मैं आप लोगों को बता दूं। मतलब मैं अभी तक इस पर गोलियाँ चलाए जा रहा हूँ, अभी तक कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ। या तो ये गाड़ी इतनी तगड़ी है या कुछ और सीन है, आप खुद देख रहे हो दोस्तों क्या सीन है क्या नहीं, मतलब कितनी गोलियाँ मैंने चला दी हो। ओ माई गॉड, ये देख रहे हो क्या ही सीन है, मतलब बहुत गोलियाँ चला दी मैंने, बहुत ही ज़्यादा डैमेज है इसका, डैमेज अच्छा खासा है इसका, ये देखना डैमेज एक नंबर का है। पर इस वाली गन में भी मेरे को उतना मज़ा नहीं आया, और ये सारी गन्स ना बहुत महंगी है दोस्तों। मतलब आप देखो ना, मैं गाड़ी पे चला रहा हूँ तो गाड़ी कितना डैमेज ले रही है, बंदे पे चला दूँ तो बंदा कितना डैमेज लेगा ये देख सकते हो गाइस। इस वाली गाड़ी ने भी इसको डैमेज कर दिया, पर सबसे तगड़ी जो गन लगी है मुझे, ये वाली भी गन अच्छी लगी है और ये वाली ठीक है, पर इतना मज़ा मुझे नहीं आया, क्योंकि इससे एक्सट्रीम लेवल हमारे पास जब है ये लेज़र वाली, और ये वाली भी लेज़र टाइप की है, पर ये वाली फिर ऐसी ये पूरी नॉन स्टॉप है, ये थोड़ी सी अटक अटक के चलती है आपको पता ही है दोस्तों। लेकिन 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 जो रेल गन है ना, धमाका तो यही मचाती है दोस्तों एक ही बारी में। पर इसका बस यही है, एक बार चलाने के बाद ये रीलोड करनी पड़ेगी, देखो फिर ही चला सकते हैं इसे। तो ये सीन है गाइस, बाकी आपने टेस्टिंग तो देख ली, ओ भाई 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 टेस्टिंग तो देख ली कितनी तगड़ी है। और आई नो ये वाले वेपन्स की अभी टेस्टिंग होएगी जब जब हमारे बॉडी गार्ड्स चला के आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी मैं इनको भेज रहा हूँ दोस्तों वो मीटिंग लोकेशन पे। और मेन सीन ये है, मैं आपको फिर भी चला के दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखो, ये कुछ इस टाइप की है, मतलब देखो सौदा हमारे पास पूरा है दोस्तों। तो बॉडी गार्ड्स जो तुम्हें काम बोला गया है, फटाफट तुम उस लोकेशन के लिए निकलो जल्दी से जल्दी, ठीक है फटाफट जाओ। और पता है ना तुम्हें क्या करना है, तबाही मचानी, और वेपन्स वो लेके जाओगे जो मैंने तुम्हें बोला। ये वाले वेपन्स नहीं जाएंगे, ये तो एक ही बारी में तबाही मचा देंगे वहाँ फिर, ठीक है। ये वेपन जब यूज़ होंगे जब हमें लगेगा कि भाई इनकी नीड है, क्योंकि ये बहुत महंगे वेपन्स है, जाओ जल्दी जल्दी निकलो भाई।
तो फिलहाल दोस्तों मैं हूँ मीटिंग लोकेशन में, बिल्कुल सही। मेरे बॉडीगार्ड्स कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा पहुँचना यहाँ जरूरी था, क्योंकि गोलियाँ मैं चलवाऊँगा। पीछे से मेरे बॉडीगार्ड्स आएंगे, उन्हें लगेगा वो गोलियाँ चला रहे हैं, फिर होगा युद्ध। बिल्कुल सही, लेकिन उससे पहले मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं। बिल्कुल आराम से जाना पड़ेगा, मतलब मैं क्या सीन कर रहा हूँ। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई इनको बीच में इनकी मीटिंग हो रही है, आपको क्या सीन है भाई। देखो हमने इनसे बातचीत कर रखी थी, दोनों गैंग वालों के साथ हमने अच्छी तरह डील कर रखी थी, क्योंकि तुम करोगे हमारे साथ काम, ठीक है। पर अब मेरे को सुनने में आ रहा है ये अभी भी हमारे ढंग से नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। और फिलहाल ना मैं देखो झाड़ियों में घुस गया हूँ, और थोड़ा सा, अरे यार यहाँ फूल पत्ते इतने हैं गाइस, अब ज़्यादा तो मैं नहीं जाऊँगा, पर आपको दिख रहा होगा कि क्या सीन है क्या नहीं दोस्तों। यहाँ वैंस खड़ी हुई है और ये रहे दोनों गैंग वाले, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे, और वेट करूँगा मेरी बॉडी गार्ड्स की गाड़ी के आने का। बिल्कुल सही दोस्तों। और तभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से गोलियाँ चला दूँगा। ये सब सोचेंगे कि गोलियाँ चली तो चली कहाँ से, और तभी मेरे बॉडी गार्ड्स भी यहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, फटाफट यहाँ से उठते हैं, चलो 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 चलो, एक काम करता हूँ थोड़ा सा पीछे की साइड चलते हैं, ठीक है। गाड़ी आएगी मेरे बॉडी गार्ड्स की, और जहाँ तक मुझे पता है मेरे बॉडी गार्ड वहाँ से आने वाले हैं। जैसे ही वो आए और तुरंत मैंने गोली चलाई, बस दोस्तों इतना सा वेट है। अब वो आएंगे कितनी देर में ये नहीं पता, यहाँ छुप जाता हूँ ना भाई, यहाँ से मुझे गाड़ी भी दिख जाएगी दोस्तों कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या सीन है क्या नहीं। अब आएगा असली मज़ा, मेरे से तो रहा भी नहीं जा रहा, और मैं झाड़ी के पीछे छुपा हूँ, तो ऐसे दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है दोस्तों। पर वो रह कहाँ गए भाई, इस हिसाब से तो उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था भाई। ओ माय गॉड, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है दोस्तों, आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई गाड़ी वगैरह आ रही है। देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। और मैं अपनी ना पिस्टल निकाल लेता हूँ, पिस्टल से ही मैं गोली चलाऊंगा, ठीक है। लेट्स सी क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। हालांकि मैंने भी आर्मर वर्मर पहन रखे हैं कि भाई इन्होंने मेरे को पकड़ भी लिया तो मेरे को कुछ ना हो, इसीलिए। तो लेट्स गो, वेट करते हैं गाड़ी आने का। ओके यार ये कहाँ रह गई दोस्तों गाड़ी, वैसे तो अब तक आ जानी चाहिए थी। और मैंने ना सच बताऊँ तो देखो पिस्टल वगैरह भी निकाल लिया, ठीक है। मेरे बॉडीगार्ड्स को मैंने बता दिया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। और वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, मेरे बॉडीगार्ड्स की कार आ गई है, लेट्स गो दोस्तों। अरे रे रे रे, बॉडीगार्ड, मेरे बॉडीगार्ड भी पहुंच गए दोस्तों, आप देख सकते हो यह मेरे बॉडीगार्ड भी आ गए, और मैं पीछे हो गया हूँ। अब मेरे बॉडीगार्ड अटैक कर रहे हैं भाई साहब, और मैं भी अपनी दूसरी गोली, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने बॉडीगार्ड्स को दिखाऊंगा कि भाई ये कैसे लड़ रहे हैं कैसे नहीं दोस्तों। आप देख रहे हो कैसे गेट का कवर ले लेके ये गोलियाँ चला रहे हैं। ओ माय गॉड भाई, भाई चार बॉडीगार्ड्स हैं हमारे, और वो इतने सारे बंदे हैं भाई, आप लोगों ने भी देखा दोस्तों। तो ब्लैक कमांडो की टाइट, आप देख सकते हो ब्लैक कमांडो कितने तगड़ी सिक्योरिटी है। ओ भाई 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 भाई, गलती एक ये होगी कि डिफेंडर लेके आ गया हम, कसम से भाई। बॉडीगार्ड्स कवर 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 भाई, मैं भाई एक बॉडीगार्ड तो आगे जाके लड़ रहा है भाई, देख रहे हो दोस्तों। भाई साहब एक तो आगे जाके लड़ रहा है, और दिक्कत होगी भाई, डिफेंडर लेके आ गया भाई मैं। अरे यार डिफेंडर मेरे को यहाँ से ले जानी पड़ेगी, बॉडीगार्ड अरे हट यहाँ से, जल्दी हटो, मेरे को डिफेंडर लेके जानी पड़ेगी। आई एम सॉरी, डिफेंडर लेके जानी पड़ेगी मुझे। लड़ो लड़ो लड़ो, तुम लड़ो। डिफेंडर पीछे कर दिया भाई मैंने, डिफेंडर पीछे कर दिया दोस्तों, और यहाँ हमारे बॉडीगार्ड्स लड़ रहे हैं भाई साहब। मैं किसी को गोली नहीं चला रहा, आप लोगों ने भी देखा, ये अपने हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, अपने हिसाब से देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। मैं बिल्कुल पीछे हूँ, दो बॉडीगार्ड्स आगे, दो बॉडीगार्ड्स पीछे, और ये लड़ रहे हैं। मैंने पूरा कवर में ले लिया है, ये देखो भाई तीन वहाँ से गोली चला रहे हैं, और अब देखो पीछे जो सबसे आगे था वो पीछे आ गया, अब दूसरा आगे आ गया। ओ माय गॉड भाई साहब, इन्होंने तो तबाही मचा दी, इतनी फाइटिंग हुई है, गाड़ियाँ किसी ने नहीं चलाई है, ये बॉडीगार्ड्स तो मान ही नहीं रहे। ब्लैक कमांडो सिक्योरिटी कह दे भाई ने, जिस हिसाब से ये लड़ रहे हैं दोस्तों, देखा कैसे गाड़ी से आए और एकदम से पटर गोलियाँ चलाई इन्होंने भाई साहब। एक आदमी मैं भी चला देता हूँ नई वाली गन से, लो भाई साहब। चलो इनको मारते ही गाड़ी में बैठना है तुम्हें, मारते ही गाड़ी में बैठना है, गाड़ी में बैठो जाके, फटाफट गाड़ी आगे लेके चलो। यार रहने दो, गाड़ी आगे कहाँ लेके जाओगे, रुक जा भाई रुक जा, बहुत जल्दी है क्या भाई साहब, यहाँ लगी सीन हो गया, गाड़ी में आग लग जाएगी भाई, देख सकते हो क्या ही सीन हो गया दोस्तों। भाई जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी ना दोस्तों, वो सीन हो गया, कसम से अलग ही सीन हो गया। मतलब हमारी ब्लैक कमांडो सिक्योरिटी ने सबको तहस नहस करके रख दिया भाई, ये देखो आपकी क्या सीन है भाई साहब। इनको ये सबक सिखाना भी जरूरी था भाई, ये सबक सिखाना भी जरूरी था। ये कौन सी गन लेके आए थे, ये टुच्चु मुच्चु गन चला रहे हैं ये, और हमारी देखो। ओ माय गॉड, नए वेपन्स, वो भी एक्सट्रीम वाले। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाली गन मैं लेके आ गया था, क्योंकि ये रेल गन आपको चला के दिखानी जरूरी है, क्योंकि भाई इसमें पावर कितनी है, एक दो तीन, देख ली पावर, एक दो तीन
भाई साहब लगी 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 सब गाड़ियों में आग लग गई, और यही मेरे पास दूसरी वाली गाड़ी होती ना, या दूसरी वाली गन होती सॉरी, तो वो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़वा पाती। देख रहे हो दोस्तों क्या सीन है क्या नहीं, मतलब हमारी सिक्योरिटी को हमने ये वाले वेपन दे दिए तो इन्होंने ये हाल कर दिया, और इनको मैंने ये एक्सट्रीम वाले हाई एंड वेपन दे दिए तो ये तो भाई तबाही मचा देगी कसम से। डिफेंडर का नाश थोड़ा बुरा हो गया, डिफेंडर से उतरो, मेरे को डिफेंडर दिखानी है, उतरो। एक तीर से गाइस हमने दो निशाने कर दिए पक्का, क्योंकि देखो मेन सीन ये था, इन गैंग्स वालों को सबक सिखाना जरूरी था, और अपने गार्ड्स की ये जो नई सिक्योरिटी है इनकी टेस्टिंग जरूरी थी। शाबाश तुम सबने वो काम करा जिस काम के लिए तुम बने हो, शाबाश ब्लैक कमांडो सिक्योरिटी। ब्लैक कमांडो सिक्योरिटी ने दिखा दिया गाइस ये कितने पावरफुल हैं, और ये जो वेपन्स इन्हें मिले इनके ये हकदार भी हैं। ये एक्सट्रीम वाले दे दियो तो भाई ये तो किसी का पक्का उतार देंगे कसम से दोस्तों। और रही बात डिफेंडर की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई साहब। भाई इतने बंदे थे, देख लो आप खुद देख लो भाई कितने बंदे थे यार। ये क्या है, ये क्या सीन है भाई, डिफेंडर में थोड़ी सी दिक्कतें आ गई है दोस्तों। और यार मेरे को लगा कि ठीक है भाई डिफेंडर भेज देता हूँ, क्योंकि और कोई गाड़ियाँ अभी हैं नहीं, इन बॉडी गार्ड्स के लिए गाड़ियाँ हमें मंगवानी है। अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया इन बॉडी गार्ड्स के लिए गाड़ियाँ ऑर्डर करने का दोस्तों। अब एक चीज़ मैं आपको ये दिखा दूँ, इस गाड़ी में डैमेज क्या क्या आया है। इसका टायर गया भाई एक तो, और शीशा गया यार, ये तो अपनी चुलकी वजह से हुआ, मैं इनको दूसरी गाड़ी से भिजवा देता। चलो कोई नहीं, बोनट खुल गया इसका, ये तो अपनी वर्कशॉप में ही काम होगा, बैनी के पास भी नहीं जाएगी ये तो। शीशे ये साइड वाले गए, ये पीछे वाला शीशा गया, ये शीशा गया, बाकी और कुछ नहीं हुआ। ये गाड़ी मैंने सही टाइम पे पीछे कर दी, नहीं तो इसमें भी आग लग सकती थी दोस्तों। और ये वाली जो गन है कसम से, ये देख रहे हो हमारे बॉडी गार्ड्स के भी कानों में दर्द हो जाते हैं जब ये गन चलती है। देखना इनका रिएक्शन देखना, ये देख रहे हो, ये देखो भाई अभी दिखाता हूँ रिएक्शन, ये देखो रिएक्शन देख रहे हो भाई हमारे बॉडी गार्ड्स के, जैसे ये एक्सट्रीम वेपन्स चलते हैं ना भाई अलग ही सीन हो जाता है। चलो भाई अपनी ऐसी कराओ, और ये देखो भाई ये वाली चला दी मैंने तो। ओ लो भाई, भाई अलग ही तरीके की गन है, बंदा मार, देखो पावर देख रहे हो, ये देखो पावर देखो इस गन की। हालांकि ये गन्स ना बॉडी गार्ड्स के लिए, और मजे मैं ले रहा हूँ इन गन से। हाँ बॉडी गार्ड्स के लिए मेरी एक ही बात होती है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे ब्लैक कमांडो की टेस्टिंग भी हो चुकी है, और मैंने आपको अपने नए बिजनेस इसके बारे में भी बता दिया। अगली वीडियोज़ में आपको शायद देखने को मिल जाए हमारे तगड़ी चीज़ जो कि हम घर पे लगाने वाले हैं। आप समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी है कि हम घर में क्या लगाने वाले हैं क्या नहीं। अगर नहीं समझे तो आपको देखने को मिल जाएगा हमारी अगली वीडियो में, तो स्टे ट्यून। और कैसी लगी आज की वीडियो ये भी बताना, और वीडियो का बेस्ट पार्ट भी बताना, और अगली वीडियोज़ में आप क्या चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शूटा चंगा फिर अगली गेड मेरे प्यारे दोस्तों। ब्लैक कमांडो बहुत तगड़ा काम करा। चलो अब गाड़ी में, पर जाएंगे कैसे, ओ माय गॉड फंस गए हम तो। चलो देखते हैं भाई, मैं फ़ोन करता हूँ किसी को और फिर यहाँ से निकल सकते हैं। चलो जब तक आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया जाए दोस्तों, क्यों ना, तो चलो भाई चलते हैं। तो फाइनली आ चुके दोस्तों आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए, बिल्कुल सही, तो लेट्स गो। और अभी तक जितने भी कमेंट्स हैं मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, जितने भी कमेंट्स अभी तक आए हैं उन सबका हम रिप्लाई देने वाले हैं। तो सबसे पहले है मुकेश भाई का, वही सिक्योरिटी के लिए स्कॉर्पियो और फॉर्च्यून लाओ जो, और दो तीन सब ओके। तो स्कॉर्पियो आप कह रहे हो सिक्योरिटी के लिए स्कॉर्पियो और फॉर्चुनर, तो भाई ठीक है हम ऑर्डर दे देंगे, इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसी वीडियो डेली डाला करो, मज़ा ही आ जाता है। जय श्री राम। ओके अबे मेरे भाई माइकल इल्यूमिनाटी से मिलो, बिल्कुल मिलते हैं। घोष के लिए फॉर्चुनर कार रखो प्लीज़। ओके जितेश मेरे भाई, मैं बड़ी देखने में मज़ा ही आ गया, क्या बात है। आई एम बिग फैन जिमी वीडियो माइकल वीडियो, क्या बात है मेरे भाई, थैंक यू। प्लीज़ बाय डेंजर सिक्योरिटी ऑलरेडी हमारे पास है, और मैं आपको अपनी ना जल्द ही सिक्योरिटी की कलेक्शंस भी दिखाने वाला हूँ। अबे मेरे भाई क्या है भाई, वीडियो में बहुत ही मज़ा आ गया, थैंक यू दक्ष भाई। हेलो गुरु भाई क्या हाल है भैया, कल आप घर नहीं थे, मैं आपके घर आया था। पता नहीं भाई यार अब क्या बोलूँ मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सरिता भाई पी वीडियो थैंक यू भाई। ब्लैक कमांडो सिक्योरिटी के लिए थार ले लो, ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई, करना पड़ेगा कुछ। घोस्ट के लिए फॉर्चुनर कार, ओके भाई फॉर्चुनर लेजेंडर अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है मेरे भाई। फॉर्चुनर 4-5 भाई, फॉर्चुनर की कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स आ रही है, और स्कॉर्पियो की भी, तो करना पड़ेगा दोस्तों कुछ भाई। इसके नीचे एक जेल भी है जहाँ पर गाड़ियाँ रखते हैं, उसके नीचे है या आई नो, बिग फैन थैंक यू मेरे भाई। फॉर्चुनर ले लो ब्लैक कमांडो सिक्योरिटी के लिए, ओके। माय नेम इज़ आरव सिंह, क्या हाल है आरव मेरे भाई। नो किंग कोबरा से बदला लो, जल्दी लेंगे जिमी ट्रेनिंग वन भाई, जिमी को ना भेजना पड़ेगा फौज में लगा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अजीत चौधरी मर्सिडीज एमजी G634 जिमी, ओके भैया वीडियो रेगुलर डाला करो, ओके भाई। गोस्ट सिक्योरिटी को भी न्यू वेपन दे दो, ठीक है मेरे भाई। अक्षय भाई जिमी को जेडेक्स टर्न गिफ्ट कर दो, जिमी बहुत खुश हो जाएगा, ओके। जोत गिल मेरे भाई करते हैं भाई, कारवोस में भी सिक्योरिटी लगवा दो,
बात सही सही है, वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी कल आ जाएगी भाई। ठीक है भाई, घोस्ट सिक्योरिटी के लिए रोल्स रॉयस गिव घोस्ट ले लो। ओके, घोस्ट सिक्योरिटी ले लो। घोस्ट सिक्योरिटी ऑलरेडी हमारे पास है भाई, एचपीजी सिक्योरिटी परचेज करो भाई साहब, हमारी सिक्योरिटी देखोगे मज़ा आ जाएगा। हम मेरी जान क्या लड़ रही भाई, हितेश वेपन मैनी गोल्ड ले। ओके, स्विफ्ट कहाँ है? स्विफ्ट भाई बैनी के पास ही है, उसको देखेंगे भाई। ठीक हुई है, नहीं क्या सीन है, नाइस डांस, क्या बात है। पूरा कमेंट पढ़ने प्लीज़ आप। जिमी के लिए लाइटनिंग मैक्यून कार दो, और जिमी को ओल्ड कार कलेक्शन दिखाओ, उसे मज़ा आता है। डिस्ट्रॉय को रिस्टोर करवाओ, और उनमें भोकाल दिखती है, लंडी जीप जैसे लायन, वरना जैसे चीता थार, जैसे टाइगर फॉर्चुनर, जैसे जोटा। प्लीज़ ओल्ड कार कलेक्शन फिर से बनाओ, जैसे जनता पूछो ओल्ड कार कलेक्शन विल के लिए। ओके शिवम मेरे भाई, ओके शिवम भाजी, देखते हैं। थैंक यू मेटेक्स बिग फैन, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। मेरे व्यू मैंशन पर सीसीटीवी कैमरा अटैच्ड। ओके, वो सीन ऑलरेडी है यार, फॉर सिक्योरिटी जी वैगन फॉर यू रोल्स रॉयस। ओके इंडियन वॉरियर्स अपग्रेड जी वैगन। ओके भाई, एक अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रख लो, ऑलरेडी है हमारे पास वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड, एक अपना पर्सनल के लिए भी कर देते हैं। घोस्ट वाली सिक्योरिटी बाई करो। ओके, जी वैगन लाओ 20+, ठीक है भाई। बॉडी गार्ड के लिए परचे, बुलेट प्रूफ जी वैगन कार्स लो ना। ओके, जीएमसी कार। ओके जी वैगन भाई, जीटी ऑनलाइन भी खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। स्विफ्ट कहाँ है? स्विफ्ट ऑलरेडी हमारी ठीक होने के लिए ही है। ओके भाई, तो ऋषभ भाई के कह रहे हैं, माइकल दादा आप अपने दुश्मन अन्ना और कोबरा को डगन को जिंदा जलाना, जैसे परिंदा मूवी में जैकी श्रॉफ ने नाना पाटेकर को जिंदा जलाया था। जैसा आप बोलो ऋषभ भाई वैसा हो जाएगा भाई, माइकल इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में जाओ। ओके अक्षय भाई, जिमी बोल रहा है डेली वीडियो आएगी, बट अरे जिमी नोटी है यार, कोई नहीं मैं उसे बोलूँगा दोबारा। ठीक है इंडियन वॉरियर, ओ क्या हाल है? हाँ भाई, सब्सक्राइबर की फोटो लगानी चाहिए घर में। ओके प्लीज़ गो मयंक एंड बेबी गेमिंगर, हेलो भाई आप बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। ओके भाई मेरा नाम लो। ओके अक्षय भाई, जिमी का बर्थडे कब है? जिमी का बर्थडे जल्दी है भाई, 50 जी जी वैगन। ओके यूजर भाई कर देते हैं, मेरा बर्थडे है, क्या बात है। अंश भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, व्हाट दी हेल इज दिस, क्या हो गया मेरे भाई। हेलो अक्षय भाई आ गया मैं दोबारा, पिन दी कमेंट ब्रदर। काबू शर्मा क्या हाल है भाई, ग्राफिक्स मोड कौन सा है भाई? सी एफ पता नहीं यार अब कौन सा भाई, हमारे तो भैया जी ने डलवाया था, नाम याद नहीं आ रहा, कोई नहीं मैं आपको जब बता दूंगा। श्वेत कुमारी वर्कशॉप का काम हो गया, जैसे नाम माइकल भाई, माइकल एपिसोड में अपना माता श्री का फ़ोन से देख सकता हूँ तो आपके वीडियो। तुषार आपका नाम है मुझे पता है भाई, तुषार भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके पिन कीजिए, ओ भाई साहब इन्होंने तो बहुत ही बड़ा लिख दिया है, ओहो क्या बात है, थैंक यू भाई इतना बड़ा कमेंट लिखने के लिए मेरे भाई। थैंक यू तो सर मेरे भाई, ब्रो आप हर चीज़। अरे कैसी बातें कर रहे हो रुपये इस बार, ये माइक्रोमैक्स मोबाइल में। अरे रे 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 रे, ओके हेलो ब्रो क्या हाल चाल, एक नंबर। इस घर में सीक्रेट वेपन स्टोरेज है? ओके आई नो भाई, आपके घर में एक और बंकर है। घोष के लिए फॉर्चुनर कार लो। ओके भाई, इसके नीचे एक जेल है जहाँ पे गाड़ियाँ रखते हैं उसके नीचे, आई नो ब्रदर, वो भी आपको जल्दी दिखा देंगे वहाँ क्या सीन करने वाले हैं हम क्या नहीं। तो फिलहाल गाइस ये थे हमारे आज के वीडियोस के कमेंट्स, तो होप करते हैं आपको हमारी आज की वीडियोस में मज़ा आएगा। मज़ा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ कमेंट करके बताना कि आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो हम आप सबके लिए जल्द ही लेके आने वाले हैं, बाकी जब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ अगर आप चाहते हो हम वैल्यूएबल मेंशन में अपनी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह लगाएं तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, हम जल्दी आपकी फोटोज़ वगैरह भी लगा देंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, चंगा फिर अगली वीडियो।